अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद हैं शहीद इमदाद जोयो की दुख्तर। वो खुद अपनी जबानी बताएंगी कि जाफराबाद पुलिस ने, झलमक्स इंतजामिया ने और सरदारों ने, नवाबों ने इनके ऊपर कितना जुल्म किया है, और इनको जब शहीद किया गया है फिर भी इनको सुकून से दफन होने नहीं दिया जा रहा है। इनकी लाश को मुतअद्दिद बार जो है किडनैप किया गया है। जो लोग इनके साथ जा रहे हैं उनके मोबाइलें तोड़ी जा रही हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, उनको अगवा करके नामालूम जगहों पर मुंतकिल किया गया है। तकरीबन हमारे दोस्तों को जो है जख्मी कर दिया गया है। तो अदी अरबाब, आप मेरे साथ हैं, तो थोड़ा सा आप पस मंजर बताएं कि आप जब उस्तामोन पहुंचिए, उस्तामोन पुलिस ने आपके साथ जुल्म किया, फिर आप डेरामुराद की तरफ जा रही थी, तो आपके साथ क्या हुआ है? झलमक्सी के इंतजामिया ने, झलमक्सी के लेवीज ने सबसे पहले मेरे साथ जुल्म किया है। मुझे मेरे वालिद की लाश नहीं दे रहे थे, लाश दी तो सारा दिन मुझे झलमक्सी में उन्होंने घुमाया है। झलमक्सी में घुमा कर आके रात के लाइट टाइम मुझे उसका मोहम्मद में लाने की जगह मुझे किसी बाईपास की तरफ लेके जा रहे थे। मैंने जाके पूछा, मैंने जब शोर मचाया, मैंने कहा मुझे किधर ले जा रहे, तब मुझे बताया कहते कि एसी का डीसी साहब का हुक्म है कि वापस जल लेके आओ। क्यों वापस जल लेके जाना है? तो हमने आप वहाँ के साथ हमें भी वहाँ पे तशद्दुद हमारे ऊपर किया, हम आज जख्मी हैं, तो हमारी मोबाइलें भी छीनी गई, हमारी मोबाइलें भी तोड़ी गई, तो आप खवातीन के ऊपर भी तशद्दुद किया गया? वहाँ पे ऐसे जो खवातीन को तशद्दुद किया, वहाँ पे घसीटा गया खवातीन को, आप वहाँ पे बारात क्या मुतालबा करती हैं?